हेलो, नमस्कार, कोनिचिवा एंड नमस्कार एवरीबॉडी। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। क्या है स्टोरी प्लीज? तो ये स्टोरी अभी की है, लेटेस्ट स्टोरी है जो निपाने में हुई। तो मैंने अभी एक नया स्कूल ज्वाइन किया है हमारे यहाँ। तो मीन्स दो बार मीन्स नहीं, मैंने तीन बार स्कूल चेंज किया है नर्सरी से। तो ये मेरा तीसरा स्कूल है चेंज करने का। और मैं बोलूँ ना, जब से मैं छोटा हूँ ना, तब से मेरी जो बिहेवियर है वो बहुत शांत स्वभाव है। मीन्स शांत स्वभाव सिर्फ टीचर्स के आगे, फ्रेंड्स के आगे तो आपको तो पता ही है। तो यस, स्टार्ट करेंगे। तो कहानी नासा वाले बहुत खतरनाक है। तो कहानी स्टार्ट होती है हमारी ओल्ड स्कूल से। ओल्ड स्कूल में मैं एज वेल एवरेज स्टूडेंट था, अभी भी हूँ और था। तो हमारे पहली वाली स्कूल थी ना, वो बहुत बहुत कतई बहुत गंदी वाली नटखट्टी शाला। हाँ, तो शाला इज अ वर्ड इन मराठी विच इज मीन बाय स्कूल। ओके, तो मैंने अगर बीच में यूज किया तो एडजस्ट कर लेना। तो मैं पहले वाले स्कूल में बहुत नटखट था और इस वाले में भी हूँ बोले तो हम पुराने वाले स्कूल का नाम रखते हैं ओल्ड स्कूल और नए वाले का न्यू स्कूल। गॉट इट? सिंपल। तो ओल्ड स्कूल से मैं आया न्यू स्कूल में। तो ओल्ड स्कूल में बहुत मैं समरी देता हूँ और मेरे मित्र प्रिय मित्र मेरे इस स्कूल में भी आ गए। ओके, न्यू स्कूल में भी आ गए मेरे मित्र और मैं भी न्यू स्कूल में। गॉट इट? ऑल क्लियर? न्यू स्कूल में कैसा था वो है ना, मीन्स वी कैन से बहुत स्ट्रिक्ट वाली स्कूल थी। और उधर एक ही गेम चलता था, वो था फुटबॉल। तो मैं जो ओल्ड स्कूल थी, ओके, ओल्ड स्कूल में सब लिटरली सब है ना क्रिकेट के फैन थे और मैं अकेला फुटबॉल का फैन था। तो फर्स्ट डे ऑफ माई न्यू स्कूल, तो मीन्स मैं ऐसा छुप छुप के गया, मीन्स छुप छुप अरे कुछ भी कट कर। तो फर्स्ट डे ऑफ द न्यू स्कूल वॉज गुड बोले तो, और जो मेरे ओल्ड स्कूल के जो मित्र थे तो वो दूसरे हाउस में थे, नहीं हाउस में, तो वो दूसरे क्लास में थे वीकेंड से। तो मैं दूसरे क्लास में और मेरे मित्र प्रिय मित्र दूसरे क्लास में। ओके, समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, समझ गया। तो पहला दिवस तो बहुत बहुत मस्त वाला गया और सेकंड दिवस मेरे लिए बहुत डेडली दिवस साबित हुआ। मुझे पता नहीं, वो मुझे अभी भी याद दिलाता है, वो बहुत डेडली स्कूल ये क्लास था, डे बोलना भी नहीं आ रहा, इतना डेडली था। तो सेकंड डे पर क्या हुआ, सब अच्छा चल रहा था और हमें मिला पीटी का पीरियड। पीटी के पीरियड गए और सब फुटबॉल खेलने लगे। और बाय द वे मुझे फुटबॉल बहुत अच्छा लगता था। और मैं बोलूँ ना आपको, तो हमारा जो ओल्ड स्कूल था उसमें क्रिकेट में सब लिटरली सब प्रो थे क्रिकेट में, और इस न्यू स्कूल में सब फुटबॉल में प्रो थे। तो मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्रिकेट ही खेलना चाहिए था, क्योंकि सब प्रो प्रो आ गए हैं मेरे आमने सामने। लेट इट बी, जाने दो इंटरेस्ट बाहर में। तो सब खेलने लगे पीटी के पीरियड में फुटबॉल, और मेरी आमने सामने वीकेंड से मीन्स नहीं क्या भिड़ना कुछ कुछ होता है ना, वो हुई हेड बॉय से। ओके, तो उससे मेरी आमने सामने हुई हेड बॉय से। और वीकेंड से हेड बॉय ना ऐसे बहुत इंटेलिजेंस बॉयज, क्रेजी बॉयज, कूल बॉयज, सेक्सी बॉयज, अपना हेड बॉय वो बहुत टॉल है मेरे से, हट्टा खट्टा, और मैं ऐसा नहीं है चिंदू पुंदू छोटा लड़का, हेड बॉय था। और हेड बॉय भी कैसे, तो हेड बॉय ऐसे आया और उसके भगते भगते आया और उसके पैर में फुटबॉल था। ओके, और मैं उसको साइड से ऐसे कट मार के आ गया, मैंने उसको साइड से कट मारा और वो नीचे गिर गया, वो मेरे अंग पे गिर गया और मैं नीचे दब गए उसके। ओके, उस पीरियड में ज्यादा कोई पंगा नहीं लेता था हेड बॉय से, क्योंकि वो बहुत हट्टा कट्टा मानुस था। और लिटरली जो दूसरा दिन है भाई मेरा स्कूल का, और मैं ऐसे कांड कर रहा हूँ कि हेड बॉय को गिरा रहा हूँ, और मैं किसी से बोलता बिलता भी नहीं। तो मेरी फट गई, फट के हाथ में आ गई, मैंने ये क्या कर दिया, तो मुझे तो फुटबॉल खेलना आता था, अब क्यों हक दिया मैंने ऐसे। और सब मुझ पे चिल्ला रहे, देखो ना, कोई मेरा मित्र नहीं बना, और जो मित्र नहीं बने वो ही मेरे पे चिल्ला रहे, यार ये ऐसे क्या क्या, यार यार ने क्यों गिरा दिया हमारे हेड बॉय को, ये क्या गया, इंजर्ड हो गया वो। और एक फन फैक्ट बताओ कि वो हेड बॉय ना ऐसे कर रहा है, और मैं लिटरली लाइक, तुझे लगी है भिंडी? हाँ,
अरे वो पहाड़ मेरे अंग पे गिरा, मुझे कुछ नहीं हो रहा, वो किसी मुझे लगे मैं क्या करूँगा। लिटरली भाई ऐसे हट्टे कट्टे मीन्स तो मैं ही हट्टा कट्टा हुआ ना, बॉडी बिल्डर तो आई एम रियल। तो वो दिन मीन्स आप इमेजिन करो भिंडी कि आप सेकेंड दिन हो और सेकेंड दिन में आप डायरेक्ट हेड बॉय को गिरा रहे हो फुटबॉल में। कैसे भी कांड कर लेता हूँ मैं। और दैट वॉज इट फॉर द वीडियो ब्रोजेस, ये थी मेरी स्टोरी टाइम स्टोरी लाइन। और मुझे आपको बताना पड़ा और मैंने बता दिया ऐसा कुछ तो। ओके तो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो, बाय बाय। और स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करना। और मेरे प्रिय मित्र, मुझे पता है आप वीडियो देख रहे हैं। ओके बाय बाय।